का निगरानी रखता था। अपना काम इन्हें ही बताना पड़ता है कि पढ़ना बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ रेंट पे रहती हूँ, मैं यहाँ तैयारी करती हूँ और मेरे वॉशरूम में रूम में कैमरे लगे हुए थे। वो सारा जो ये सब घर की देखरेख सारा काम जो है मकान मालिक का लड़का ही करता है और चाबी उसे ही दे के जाते थे। दो बेटे हैं उनके, तो फिर बस वो बार बार मेरे वॉशरूम के डोर के पीछे पड़ा हुआ था, या तो बंद करके यूज़ किया करो या ऐसे उतरवा दो। वो उतरवाने वाले को भी ले आया था, दरवाजा हटाने वाले को। हाँ, लेकिन मैं टेस्ट देने गई हुई थी, मैंने उसे चाबी नहीं दी, मुझे डाउट हो रहा था। फिर मैं वहाँ से आई, मैंने चेक किया तो वॉशरूम में रैम कैमरा था। फिर मैंने सब जगह चेक किया तो रूम में 3 कैमरे थे। फिर जो मैंने खुद कैमरा उतारा था वो मैं शॉप पे चेक करा के लाई, मैंने वहाँ उस लड़के की वीडियो बनाई, जब उसने मुझे कन्फर्म कर दिया ये कैमरा है। और फिर मैंने वो अपने रिलेटिव्स को भेजी तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गई वीडियो। उन्होंने पूछा कि क्यों डिलीट की, मैंने बोला मैंने नहीं की। फिर मैंने अपनी लिंक डिवाइस चेक की तो मेरा व्हाट्सअप भी हैक था। फिर मुझे कंफर्म हो गया कि कैमरा है और यही कर रहा है, क्योंकि इनके घर में कोई और आता जाता ही नहीं है कभी, ये किसी को अलाउड नहीं करते, सारा काम खुद ही करते हैं रेंटर्स का। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया, अगले दिन मैं रूम से नहीं निकली जब तक मेरे पेरेंट्स नहीं आ गए। फिर मैंने इनकी FIR कर दी। ये कब की बात है जब वो दरवाजा हटाने वाले को लाया था? ये बात है सैटरडे की। सैटरडे, और मैंने सैटरडे रात में कैमरे चेक किए हैं शाम के आसपास, तो 10 बजे के बाद ये बाहर जाना भी अलाउड नहीं करते, और लेट भी हो गया था, मैं खुद ही बाहर नहीं जाती हूँ तो मैं बाहर नहीं गई। फिर अगले दिन चेक करा के लाई हूँ। अच्छा, पुलिस को आपने कब बताया? मंडे को। अच्छा, तो ये जो है कैसे व्हाट्सएप आपका कैसे उसके लैपटॉप पे चला गया? इसका ऑफिस नीचे ही है तो ये, और रहते हैं सबसे ऊपर है, तो मुझे ऐसा लगता था इसे सामान ऊपर से कुछ लाने में पानी पीने में दिक्कत होती होगी, इतने जीने ऊपर चढ़ के जाना। और मैं इसे भाई बोलती थी तो नीचे से मैं इसे कभी चाय दे देती थी, खुद के लिए बनाती थी, और ये बार बार डोर मेरा बेल बजाता रहता था। तो मैं कभी पेन, कभी पेपर, कभी प्रिंटर और कभी मेरा मोबाइल यही यूज़ करता रहता था। अच्छा। हाँ, और मेरे मोबाइल में ऐसा कुछ होता भी नहीं था कि मैं छुपाऊं क्या, तो मैं इसे अपना मोबाइल ओपन करके दे देती थी। मैं 5 साल हो गए, लेकिन कोरोना में मैं घर चली गई थी, फिर दोबारा आई हूँ क्योंकि मेरा घर ये सिक्योरिटी पे है। यही रहती थी? जी जी जी। अच्छा। मुझे ऐसा लगता था सिक्योर है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं रहती थी। और हमेशा से चाबी? जी जी। तो कुछ पता चला उसने बताया हुए कि कब से उसने कैमरे लगाए? वो बताया उसने पुलिस को जब मैं अभी 3 महीने पहले घर गई थी, तो उसने तब ये सब किया। नहीं, अभी ये कल परसों तक तो बड़ा बहुत अच्छा बन के आ रहा था कि मेरी घर पे बात करा दो और ये है वो है, मतलब मुझे को लगा ही नहीं कि किसी बात पे, पर कैमरे मिलने से पहले तक तो बहुत अच्छे से बात कर रहा था। जब मेरे पेरेंट्स आए तब भी उनसे मिलना आया, बहुत अच्छा बन गया। मैंने कुछ नहीं पूछा, जब पता चला तो उससे क्या पूछना है, उसके घर वालों को क्या बताना है, सुरक्षा की रिस्पांसिबिलिटी तो उसके पापा की है ना, है ना, मालिक तो वो है ना, वो ध्यान रखते है ना, उन्होंने सिक्योरिटी अपने बेटे के हाथ में दी है, उन्हें नहीं पता उनका बेटा कैसा है, हमें तो नहीं पता ना कैसा है क्या है, वो उसके बाप है। मेरी तो उनसे ही बात हुई थी ना आकर, अब उन्होंने मेरे घर वालों को आश्वासन भी दिया था कि आपके हमारे घर में कोई आता ही नहीं, और सच में नहीं आता, ये किसी को अलाउड ही नहीं करते, तो मैं इसलिए यहाँ रह रही थी। नहीं, मैं तो भाई बोलती हूँ, तो मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ। बस जब वो मेरे वॉशरूम के दरवाजे के पीछे पड़ गया, उसे ले आया उतरवाने वाले को, मेरे पास मैसेज है व्हाट्सएप में, तो मुझे लगने लगा ये वॉशरूम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो मैंने खाली होल्डर लगा हुआ था वो चेक किया, जब वहाँ कैमरा मिला तो मैंने ये 3 सब जगह चेक किए, तो मुझे कैमरे दिखाई दिए, फिर मैंने घर को मैं बताया, फिर पुलिस को बुलाया। कभी इसने व्हाट्सएप पे कुछ ऐसा किया हो कुछ आपकी, जब इसने लॉगिन किया हुआ था तो कुछ गलत चीज़ या कुछ? नहीं, ये मुझे पता ही नहीं चला ना, मैं मोबाइल कम चलाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चला ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मुझे तो तब पता चला जब इसने वीडियो डिलीट कर दी कि किसी ने मेरा मोबाइल हैक कर रखा है। कौन सी वीडियो? जो वो मैं दुकान पे से वॉशरूम के कैमरे की बनवा के लाई, वो मैंने अपने रिलेटिव्स को भेजी कि ये कैमरा ही है, और ऊपर एक लड़की रहती है उसे भी भेजी, तो दोनों की कॉल आई कि आपने वीडियो क्यों डिलीट कर दी। मैंने कहा मैंने नहीं की। फिर मैंने अपनी लिंक डिवाइस चेक की, व्हाट्सएप भी हैक था मेरा।
इसने आपके व्हाट्सएप वीडियो डिलीट की जी, पर आपके फोन में तो वीडियो होगी ना? हाँ, मेरे फोन में सब कुछ है। कार्रवाई से संतुष्ट है या और क्या चाहती है? आईटी एक्ट 2003 लगाइए उस पे, कोई एक साल की सजा इतने घिनौने अपराध के लिए पूरी नहीं है। अच्छा, जैसे अभी आप यहीं रह रही हैं तो उनके उसके परिवार वालों ने कुछ बात की हो आपसे, उसके बाद आके कुछ कहा? हाँ, आके कहा है कि आप आराम से रहिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने कहा पहले भी आपकी थी, तब इतनी बड़ी घटना हो गई।